मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश किया एससी एसटी संशोधन विधेयक। कैबिनेट की बैठक में दी प्रस्ताव को मंजूरी। अब बिल पर सोमवार को सदन में होगी चर्चा। मुजफ्फरपुर रेपकांड पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने तोड़ी चुप्पी। कहा हम शर्मिंदा है, आरोपी बचेंगे नहीं। सीबीआई जांच को हाईकोर्ट करे मॉनिटर। झांसी में तांत्रिक ने महिला के साथ किया दुष्कर्म। महिला को बेहोश करके दिया वारदात को अंजाम। पीड़िता ने तांत्रिक के खिलाफ पुलिस में दी तहरीर। दिल्ली के बड़े व्यापारी गोल्डन बाबा ने पूरी की कांवड़ यात्रा। यात्रा के दौरान किया कई यातायात नियमों का उल्लंघन। हर साल करते हैं कांवड़ यात्रा। हाथरस में पुलिस ने अपहरण के मामले का किया खुलासा। 20,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश 4 साल से चल रहा था फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ अमित नेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान मुजफ्फरपुर रेप कांड पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि हम शर्मिंदा है, लेकिन इस रेप कांड में शामिल कई दोषी छूटेगा नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और हम चाहते हैं सीबीआई जांच को हाईकोर्ट मॉनिटर करें। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में संचालित बालिका गृह में 34 लड़कियों के साथ बलात्कार का मामला उजागर होने के बाद ही आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो फिलहाल जेल में बंद है। कि हम लोग संसार इतनी तकलीफ में और आत्मग्लानी के हम लोग अब शिकार हो गए। समझ में नहीं आता है कि समाज में कैसी कैसी मानसिकता के लोग। समाज कल्याण विभाग इसको चलाता है। अब कैसी मानसिकता के लोग कहां होते हैं, क्या करेंगे? जानकारी मिल गई तो कार्रवाई हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है। और हमने तो अपने महाधिवक्ता महोदय से कह भी दिया है, एडवोकेट जनरल साहब से, और इसकी घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कर दी है कि भाई हम लोग तो चाहेंगे कि सीबीआई की इंक्वायरी हाईकोर्ट उसको मॉनिटर करे, उसकी मॉनिटरिंग में उसकी जांच होनी चाहिए, ताकि कोई इसमें दोषी है वो बचे नहीं, सब पकड़े जाए। और हमने मुख्य सचिव महोदय से भी कहा है, अभी 3 दिन पहले चर्चा हुई, मुख्य सचिव थे, समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव थे, डीजीपी थे, सारी बातों की हम जानकारी ले रहे थे। तो और हमने कहा कि अपने स्तर से गंभीरतापूर्वक करिए और ये देखिए कि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर बलिया से लखनऊ के लिए निकली सपा की साइकिल यात्रा अकबरपुर पहुंची। वहीं सपा की लोकतंत्र बचाओ समग्र साइकिल यात्रा में जिले के कई नेता भी शामिल हुए। साइकिल यात्रा की अगुवाई कर रहे सपा के युवजन महासभा के प्रदेश महासचिव ने बीजेपी और संघ पर जमकर तंज कसा और कहा कि बीजेपी राम और तिरंगा को विवादित करना चाहती है। हम समाजवादी असली राष्ट्रवादी हैं और बीजेपी फर्जी राष्ट्रवादी है। राम हमारे पूज्य हैं, वो तो कब्जा करने के प्रयास में लगे रहते हैं। राम हमारे देवता हैं, वो पूज्य हैं, हम उनका विरोध थोड़े करते हैं या माननीय अखिलेश यादव जी विरोध थोड़े करते हैं, लेकिन उनको विवादित बनाने को तो तिरंगा को भी विवादित करना चाहते हैं। तिरंगा यात्रा निकाल करके उनके संघ के शाखा मुख्यालयों पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था। उनके संघ का आज तक आप पता कर लीजिएगा, आज तक रजिस्ट्रेशन का ही नहीं है। वो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। अगर भारत के संविधान को मानते तो संघ का रजिस्ट्रेशन होता, इतनी बड़ी संस्था का आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं है। हम लोग वो राष्ट्रवादी फर्जी राष्ट्रवादी हैं। हम लोग ओरिजिनल इस देश के राष्ट्रवादी हैं, ओरिजिनल हैं। वो लोग फर्जी हैं। हम समाजवादी ही असली राष्ट्रवादी हैं, वो लोग फर्जी राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद का नारा दे करके आम जनता को बहकाने का काम करते हैं, बहलाने का फुसलाने का काम करते हैं। देश में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने को लेकर काफी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन जरा सोचिए, जहां लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक कराने के लिए आते हैं, वहीं अस्पताल खुद बीमार हो जाए तो लोगों का इलाज कैसे होगा? जिला अस्पताल की ये बदहाली की ये दास्ता देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मोदी और योगी सरकार ने देश को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत तो की है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत को जिला अस्पताल की बदहाली कुछ और ही बयां कर रही है। ये तस्वीरें हैं सहजापुर के जिला अस्पताल की, जहां लोगों का इलाज करने की जगह अस्पताल खुद बीमार दिखाई दे रहा है।
अस्पताल के अंदर हो या बाहर चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इतना ही नहीं, अस्पताल के अंदर एक पुलिस चौकी और बैंक भी है, जिसमें काम करने वाले पुलिस कर्मियों के साथ साथ बैंक कर्मचारी इस गंदगी से आने जाने को मजबूर हैं। इससे तो बीमारियां काफी फैलती हैं और जो उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है ये स्वच्छता मिशन, तो उसके अंतर्गत हमें दिख रहा है, नहीं कहीं नहीं दिख रहा, स्वास्थ्य में देखो वहाँ पे मतलब शौचालय भी बहुत गंदे हैं, बहुत गंदगी है, यहाँ पर भी गंदगी है, तो इससे बीमारियाँ बहुत ज्यादा फैल। हमारे बस की बात थोड़ी ही है, ये तो साहब जो है अस्पताल की तरफ से है, इसमें जो है सीएमएस साहब जो कुछ करें तो होगा, हमारे करने से क्या होगा, हम तो नौकरी कर रहे हैं, हमें तो मजबूरन निकलना पड़ेगा। वहीं इस मामले में सीएमओ आरपी रावत स्वच्छता अभियान की दलीलें देते हुए कह रहे हैं कि जिन अस्पतालों में गंदगी की शिकायत आई है वहां संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वो अभियान के तहत अस्पतालों की स्वच्छता की ओर ध्यान दे। हमारे यहां जितने प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हर एक जगह पे सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अभियान चला करके वहां पे स्वच्छता का पूरा कैंपस में जो है वो क्लियर करें, जहां कहीं पे नाली है या गंदगी है वहां पे ब्लीचिंग पाउडर चूना डाला जाए। डिस्ट्रिक्ट में जिला अस्पताल में किस तरीके से गंदगी व्याप्त है, किस तरीके से जल भराव है, ये आपको अपने कैमरे और चैनल के द्वारा दिखा रहे हैं। यहां पर किस तरीके से मरीज और किस यहां पे आ रहा है जा रहा है, किस तरीके वाटर कूलर से पानी लेकर के और नहा करके बाथरूम से निकल रहा है, फिर भी यहां नगर विकास मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण राज जो कि दो दो मंत्री हैं, उसके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किस तरीके से गंदगी और जल भराव, आप खुद देख सकते हैं। दिल्ली के बड़े व्यापारी गोल्डन बाबा ने हरिद्वार से मुजफ्फरनगर आते समय ना सिर्फ यातायात नियमों का उल्लंघन किया बल्कि इस बार कांवड़ यात्रा में शामिल होकर अपनी क्वार्टर सेंचुरी भी पूरी कर ली है। दरअसल दिल्ली के व्यापारी गोल्डन बाबा पिछले 24 वर्षों से हरिद्वार से पावन गंगा जल लेकर दिल्ली जाते हैं। वहीं इस बार भी वो अपने शरीर पर कई किलो सोना पहनकर और 24 सुरक्षा गार्ड साथ लेकर कांवड़ यात्रा के लिए निकले थे, जहां हर साल बाबा अपनी कांवड़ यात्रा को पैदल ही तय करते थे। वहीं इस बार बाबा ने अपनी लग्जरी गाड़ी की छत पर बैठकर यातायात के सारे नियम कानून को ताक पर रखकर यात्रा की। पिछले 24 साल से कांवड़ ला रहा हूँ, ये मेरी 25वीं कांवड़ है जी, और इसको सिल्वर डुप्लीकेट लेके चल रहा हूँ। कितना सोना पहन के आप करते हैं, इसको कोई खास मकसद? सोने का क्वेश्चन ही सारे जने पूछते हैं जी। सोना तो मैं क्या 72-73 के पहनता हूँ जी जी। जब मात्र 2-4 रुपये थोड़ा सोना होता था मेरे को याद है जी जी, तब मैं 2-3-4 सोने पहनता था जी, आज मैं किलो के हिसाब से पहनता हूँ। कांवड़ लाने का आपको कोई मुख्य है उद्देश्य, इसमें कोई मेहनत या कोई शौक? नहीं, ये पहले दिन से मेरा शौक है, किसी कारणवश से नीलकंठ महादेव गया था, किसी प्रॉब्लम में था जी जी, तो महाराज को बोला तुम्हारा नीलकंठ महादेव प्रॉब्लम से। फतेहपुर के चांदपुर थाना क्षेत्र के जारा मोड़ के पास 18 दिन पहले एक युवक का अधजला शव मिला था, जहां युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही थी। इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित 3 लोगों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। वहीं एसपी ने बताया कि मृतक एक शरीर शातिर अपराधी था, जिसने अपने चाचा की बेटी के साथ शादी कर ली थी। वहीं मृतक के गुस्साए चाचा ने उसकी हत्या की सुपारी अपने ही दोस्त को दी थी। फिलहाल पुलिस हत्या की साजिश रचने वाले आरोपी चाचा और उसके साथियों की तलाश में जुट गई है। एक अधजला शव मिला, इस शव को पता चला कि पेट्रोल डालकर जलाया गया और कहीं से ला करके फेंका गया। ये पूरी तरह से ब्लाइंड केस था, इसके संबंध में हमने एक टीम गठित की, अपनी सर्विलांस टीम और चांदपुर डिस्ट्रिक्ट की, और इसमें हम लोगों ने काफी मेहनत किया। यूपी के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव कन्हैया कल्याणपुर रोड पर हथियारों से लैस 2 बाइक पर सवार 5 बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां बदमाशों ने दूध से भरे बोलेरो गाड़ी को रोककर गाड़ी सवार से नकदी सहित दूध से भरी गाड़ी को लूटकर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसपी समेत भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। कन्या कल्याणपुर गांव है, इसके आउट एरिया में खेत और जंगलों से हमने खोजा है, जिस पर होते हुए एक दूध की पिकअप
ड्राइवर और उसका कंडक्टर दोनों साथ लेके आ रहे थे, और इनका कहना है कि दो बाइक से चार लड़के आए आगे पीछे लगा के और हमें बांध के वहाँ चले बाजरे के खेत में डाल दिए और गाड़ी हमारी लेकर चले गए। इनसे तहरीर लेके ली जा रही है, जो भी वैधानिक कार्रवाई है मुकदमा दर्ज कर और घटना को खोलने का प्रयास कर। बता रहे हथियार भी थे उनके पास और कुछ कैश भी लूटने के बाद सामने आ रहे। अब अभी इस बात की जांच चल रही है, हथियार अगर कोई लूट के इरादे से आया है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसके पास। हाथरस में पुलिस ने एक अपहरण के मामले का खुलासा किया है, जिसे पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। दरअसल ताजा मामला हाथरस थाना क्षेत्र के रतिभानपुर चौराहे के पास का है, जहां 4 साल से अपने भाई की हत्या के मामले में फरार चल रहे 20,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें कि बदमाश पर पहले से ही लूट, हत्या और अपहरण जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने बदमाश को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना हुई थी जिसमें मर्डर हुआ था, उसमें दो लोग फरार चल रहे हैं अभी भी। उन दोनों के खिलाफ कुर्की भी की गई थी, उसके बाद दोनों के खिलाफ पुरस्कार भी घोषित किया गया था। 20,000 का इनाम दोनों अभियुक्तों के ऊपर घोषित है, उसमें से अब एक अभियुक्त कालेवर इसको गिरफ्तार किया गया सिकंदराबाद पुलिस द्वारा, और उसको जो 2014 का जो मुकदमा था 302 का जिसमें वांटेड था, उसके मुकदमे के अंदर उसको कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। इसके और भी एक पूर्व का आपराधिक इतिहास है, एक बार पूर्व में ये चोरी में दिल्ली में भी बंद हो चुका है और अन्य जगह का भी आपराधिक इतिहास है जो प्रेस क्लब में सब। झांसी के एक तांत्रिक ने तंत्र मंत्र का सहारा लेकर महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल मामला मोगरानीपुर थाना क्षेत्र के बिजार 12 गांव का है, जहां पीड़ित महिला के रिश्तेदार ने तंत्र मंत्र के माध्यम से उसको मां बनाने का भरोसा दिलाया था, जिसके बाद तांत्रिक ने तंत्र मंत्र का सहारा लेकर महिला को बेहोश कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं होश में आने पर पीड़िता ने तांत्रिक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तांत्रिक आरोप लगाया कि उसने इसका बलात्कार किया है, इसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहाँ का लड़का है पप्पू, वो गुनिया था, सासू ससुर ने पत्थर दो तो वो बंदेज करे तो बच्चा नहीं हो जिसकी। हाँ, वहाँ पति को भेज में सासू ससुर ने हमें लवा के उनके पास पहुँचे। हम सुबह शाम के वही 7 बजे के टाइम पे पहुँची, शाम के पहुंचने के बाद उन्हें की घर रुकी और रात में पर रात में टाइम रवे 2 बजे को हम ऊपर पानी छिड़को और बस हमें ऐसी जगह हाथ पकड़ के हमने ऐसे हीरे द्वारी रख, दो द्वारी होती क्वेरिया लगी थी वैसे गेट कटवा वाली, वैसे हीरे हाथ पकड़ के खींच ले गए अंदर हमारे साथ। संपल जनपद की धनारी थाना पुलिस ने धनारी थाना क्षेत्र में 24 जुलाई को हुई कार लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक अभियुक्त मोहित ने बताया कि पहले वो लखनऊ में DBA कंपनी में ऑनलाइन कपड़ों की सेल करता था, जिसको लेकर और छोड़कर वो हरिद्वार आ गया, जहां उसने अपने 2 साथियों के साथ YouTube पर ATM लूट की एक फिल्म देखी और प्रभावित होकर ATM की लूट की योजना बनाई, जिसके बाद कार लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 3 अवैध तमंचे और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। थाना धनारी क्षेत्र में 24 जुलाई को एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ व्यक्ति आए थे एक बस स्टैंड पे, वहां पे उन्होंने एक वैगनार बुक कराई 500 रुपए में और उसको लेकर के आगे कुछ दूरी पे जाकर के उन्होंने ड्राइवर को मार करके उतार दिया वहां से और वैगनार लेकर के गायब हो गए। जब इसकी सर्विलांस द्वारा और टेक्निकल सर्विसेज द्वारा पूरे इसका सर्विलांस किया गया तो ये पाया गया कि इसमें कुछ लोग शामिल हैं और उनको ट्रैक किया गया, उनकी गिरफ्तारी की गई। इसमें जब पकड़े गए ये लोग तो इन्होंने पूछताछ में बताया, इसमें जो मोहित लड़का है इसने बताया कि ये पहले DBA कंपनी थी लखनऊ में, वहां पे ये काम करता था, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, वहां से इसने छोड़ दिया, उसके बाद हरिद्वार आ गया, वहां पे इसके 2 साथी और मिले जो इसके शिवम और अभिषेक हैं, ये इसके साथ कंपनी में हरिद्वार में काम करते थे, ऑनलाइन शॉपिंग की ही कंपनी थी जिसमें काम कर रहे थे। ये ग्रेजुएट है लड़का और इसने वहां यूट्यूब में ये
लूट और चोरी की एटीएम चोरी करने की मूवी देखी। इससे इन लोगों ने ट्रेनिंग लिया कि कैसे हम लोग एटीएम चोरी कर सकते हैं, तो उसके लिए इसने व्हीकल अरेंज किया, यहाँ से एक व्हीकल लूटी और उसके बाद ये कोशिश में था कि जा करके हम एटीएम चोरी करेंगे। उसके बाद इन्होंने इसमें अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। जब हमने ट्रैक किया, पुलिस ने संभल पुलिस ने यहाँ पे ट्रैक किया इनको, तो ये तीनों मुजरिम पकड़े गए हैं। इन्होंने अपना बयान फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल लाइव। नमस्कार। किस नेता ने कितना किया काम, किसने किया आराम, कौन उतरा अपने वायदों पर खरा, किसने किया जनता का काम, कौन है कितना पढ़ा लिखा, किसके पास कितनी है संपत्ति और कौन बना और धनवान, किसका है आपराधिक रिकॉर्ड, ये सब बताएंगे हम।